जय श्री राम भाई। लोग कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े ही रहे ना। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स के हाई पिन प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यार ये प्रॉब्लम भाई आप लोगों को लो डिवाइस एंड हाई डिवाइस दोनों में देखने को मिल जाता है। तो यार ये प्रॉब्लम के अंदर भाई आप लोग जब भी फ्री फायर गेम का गेम प्ले करते रहते हो तो आपको गेम में जो भी पिन देखने को नहीं मिलता वो 4, 500 या 999+ चला जाता है, जिसके वजह से आप लोग जब भी ग्लू वाल आते हो या किसी भी बंदे को मारते हो या लूट वगैरह करते रहते हो तो सब कुछ बहुत ज्यादा लेट होता है, जिसकी वजह से भाई आप लोग यार अच्छी तरह से गेम नहीं खेल पाते और आप लोग भाई कभी कभी तो जाकर मर भी जाते हो, जिसके वजह से आप लोग के आईडी का जो भी रैंक है वो काफी ज्यादा माइनस भी हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग टेंशन भी मत लो, क्योंकि यार इसी को देखते हुए ही मैं आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे इजी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको और कोई दूसरा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताएगा, जिसकी मदद से आप लोगों को जो भी फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में हाई पिन प्रॉब्लम देखने को मिला होगा उसके लिए आप लोग 100% सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उसको मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते ही रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो क्या करो मेरे भाई लोग, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे और आगे भी फ्री फायर रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपके बिल्कुल फ्री में गूगल प्ले स्टोर के रिडीम कोड चाहिए होगा तो अभी के टाइम में भाई एक काफी ज्यादा कमाल के फ्री रिडीम कोड अर्निंग एप्लीकेशन आया है, जिस ऐप में भाई एक छोटा सा ग्लिच चल रहा है, जिसकी मदद से भाई आप लोग बिना कुछ किए 500 रुपए का आप लोग बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड ले सकती हो। तो अगर आपको अभी तक इस लूट ऑफर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो यार इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए फुल वीडियो बना चुका हूँ। तो यार ये वीडियो का लिंक मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यार वहां से आप लोग जाकर ये वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलो यार अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते ही हैं। सो गाइस अब हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से भाई आप लोगों को जो भी फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में हाई पिन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकती हो। तो इसके लिए आप लोग गेम के सेटिंग के अंदर आ जाना, आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक नेटवर्क का सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग क्लिक करना हो और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये सेटिंग अगर आप लोग के फोन में अभी तक ऑन नहीं होगा तो यार इसको आप लोग जल्दी से ऑन कर लेना, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद आप लोग जब भी वाईफाई एंड फोन डाटा दोनों को एक साथ यूज करके आप लोग जब भी गेम प्ले करोगे तो आपको यार गेम खेलते समय जो भी पिन प्रॉब्लम देखने को मिला होगा वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लोगों को फर्स्ट हमें जो भी बेसिक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला होगा उसके अंदर आप लोग आते हो तो यहाँ पर आप लोग को नीचे में एक रिपोर्ट नेटवर्क का इश्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका गेम खेलते समय बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू देखने को मिला होगा तो ऐसे में आप लोगों को जो भी सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा उसको क्लिक करके भाई आप लोग रिपोर्ट को सेंड कर देना, और इसको यार आप लोगों को डेली का कम से कम 4 से 5 बार तो रिपोर्ट को सेंड नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यार इसके अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको गेम का ग्राफिक देखने को मिल जाएगा। तो गेम का जो भी ग्राफिक है उसको यार आप लोग स्मूथ या स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग जब भी अल्ट्रा या मैक्स ग्राफिक में रख कर गेम खेलोगे तो आपको गेम खेलते समय काफी ज्यादा पिन हाई देखने को मिलेगा। तो अगर आपको भी गेम खेलते समय काफी ज्यादा पिन हाई देखने को मिल रहा होगा तो ऐसे में आप लोग गेम के ग्राफिक को स्मूथ या स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर लेना, और इसके बाद आप लोग जाकर जब भी गेम खेलोगे तो यार आपको गेम खेलते समय काफी हद तक कम पिन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन यार आपको गेम खेलने से पहले मैं आपको एक और मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता देता हूँ। यार ये तो आपको पता ही होगा कि आपके घर के कौन से जगह में आपके फोन का जो भी इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर के कौन से प्लेस में आपके फोन का जो भी इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है तो ऐसे में आप लोग प्ले स्टोर से जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना स्पीड टेस्टर नेम का। तो ये एप्लीकेशन की मदद से भाई आप लोग अपने फोन का जो भी इंटरनेट स्पीड है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। यार ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों के घर के कौन से कोने में आपके फोन का जो भी इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, और इसके बाद आप लोग वहीं पर जाकर गेम खेलना तो आपको गेम खेलते समय पिन हाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यार गेम खेल रहे हो एंड गेम खेलते समय बीच में आप लोगों का गेम का जो भी पिन है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, इतना ज्यादा हाई हो रहा है कि आप लोग गेम खेल ही नहीं पा रहे होंगे, तो ऐसे में आप लोग एक काम करना, आप लोग के फोन के बैकग्राउंड में जितना भी एप्लीकेशन वगैरह चल रहे होंगे वो सबको आप लोग हटा कर आप
लोग अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट या रिबूट कर लेना, और इसके बाद आपके फोन का जो भी फ्लाइट मोड देखने को मिलता है उसको आप लोग एक बार ऑन एंड ऑफ करना। ऐसे करने से भाई आप लोग के फोन का जो भी इंटरनेट है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, और इसके बाद आप लोग जाकर जब भी गेम खेलोगे तो आपको गेम खेलते समय पिन है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग यार मजे से गेम खेल पाओगे। लेकिन अगर आपके फोन में यार ये सब ट्रिक को यूज करने के बाद भी बहुत ज्यादा हाई पिन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा तो ऐसे में आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये कभी कभी यार फोन डाटा का भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फोन डाटा से गेम खेलने पर भी यार बार बार बहुत ज्यादा पिन हाई होता है। तो ऐसे में आप लोग ट्राई करना किसी भी का वाईफाई या हॉटस्पॉट लेकर गेम खेलने का, तो आप लोगों को गेम खेलते समय पिन हाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये ट्रिक भाई अभी के टाइम में ऑलमोस्ट सभी लोगों के फोन में 100% वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों के फोन में भाई ये सब करने के बाद भी जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो ऐसे में भाई लास्ट टाइम आपको अपने फोन का जो भी नेटवर्क है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग जियो का सिम यूज करोगे तो आप लोगों को बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसे में आप लोग के एरिया में जियो सिम के अलावा भी और कोई भी अच्छा सा सिम चल रहा होगा, जैसे कि एयरटेल का हो गया, वीआई या बीएसएनएल का, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग के फोन में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और यही ट्रिक की मदद से भाई सभी लोगों के फोन में जो भी पिन प्रॉब्लम या पिन इशू देखने को मिल रहा होगा वो सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपके भी फोन में भाई ये सब ट्रिक की मदद से जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम या नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा होगा वो सॉल्व हो जाता है, तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे और आगे भी फ्री फायर रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।